हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास फोर साइंस में आज हम लोग लेसन नंबर फोर का रिवीजन करेंगे। तो इसमें हम लोग को आज पढ़ना है टेरिस्ट्रियल और एलाइंड एनिमल, इसके बारे में पढ़ना है। तो टेरिस्ट्रियल और लैंड एनिमल हैव लॉन्ग्स एज ब्रीथिंग ऑर्गन, दे यूज लेग्स टू वॉक ऑन एंड रन। टेरिस्ट्रियल एनिमल का मतलब वो यही होता है जो जमीन पर के जीव जंतु हैं, वो जानवर जो कि लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। दे यूज लेग्स टू वॉक एंड रन, और वे लोग दौड़ने के लिए, चलने के लिए अपने पैर का प्रयोग करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन टू रीच फूड, और उन लोगों को अच्छी सेंस ऑर्गन इतना विकासशील अच्छी होती है जो भोजन तक वो पहुंच पाते हैं। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इनमीज, और वे अपने दुश्मनों से सुरक्षा कर लेते हैं। डिजर्ट एनिमल लाइक कैमल, स्कॉर्पियो, स्नैक्स, रैट्स एंड लिजर्ड्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव विथ लिटिल वाटर। डिजर्ट के एनिमल जो होते हैं, मरुस्थल के एनिमल जैसे में कैमल हैं, स्कॉर्पियोन हैं, सांप हैं, ये सब रैट चूहे वगैरह ये सब हुए, तो ये इनको बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही स्थान पर यही जीव जंतु रहते हैं। दे हैव थीक एंड ड्राई स्किन टू प्रिवेंट स्वेटिंग, और उनके चमड़े जो होते हैं मोटे होते हैं, सूखे होते हैं, जिसको कि पसीना नहीं होता है, इससे वाटर बॉडी जो है लॉस नहीं हो पाता है। कैमल्स हैव ब्रॉड पैडेड, ऊँट के पैर आप देखे होंगे पूरे चौड़े होते हैं, वो जो कि बालू पे आसानी से चल लेते हैं। देयर बॉडीज आर एडेप्टेड टू स्टोर फूड एंड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उनके शरीर में ऐसी जगह होती है जिसमें कि भोजन और पानी को स्टोर करके कुछ समय तक रख सकते हैं और बिना खाए भी रह सकते हैं। स्नैक एंड लिजार्ड हैव ए स्काली स्किन, स्नैक हुआ लिजार्ड के पास स्काली स्किन होते हैं टू क्रावल इजली, जो कि आसानी से वो चल लेते हैं, रेंग लेते हैं, टू प्रिवेंट ड्राइनेस, और वे भींगने से वो बच सकते हैं। एनिमल लिविंग इन कोल्ड रीजन, जानवर जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं लाइक पोलर बियर, पेंगुइन, याक एंड रेंडियर हैव लॉन्ग हेयर और थिक फर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। तो ऐसे जीव जंतु जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनके बॉडी के ऊपर बाल होते हैं मोटे, जो कि उनको ठंड से बचाने का काम करते हैं। दे आल्सो हैव ए फैट लेयर अंडर दियर थिक स्किन, और अंडर में मोटे चमड़े उनके चमड़े होते हैं टू कीप दियर बॉडी वार्म, जो कि उनको बॉडी को गर्म रखता है। द लेयर ऑफ फैट प्रोवाइड देम विथ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सट्रीम विंटर व्हेन फूड इज अवेलेबल, तो वही लेयर उनके लिए कामयाब होता है, उन्हें ताकत देता है, गर्मी देता है, जहाँ की जब उन्हें फूड अवेलेबल होता है। एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब एंड टर्टल हैव गिल्स टू ब्रीथ एंड ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो पानी के जीव जंतु हैं मछली की तरह, उनके गिल गलबड़ों से सांस लेते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जो कि उनको तैरने में मदद मिलता है। दियर बॉडी इज कवर्ड विथ वाटर प्रूफ स्किन, और उनकी बॉडी जो होती है वाटर प्रूफ होती है, उनके ऊपर पानी नहीं ठहर सकता है। दियर बॉडी इज कवर्ड विथ वाटर प्रूफ स्किन, फी स्विम विथ द हेल्प ऑफ फियांस, और वे उनके अंदर फियांस होते हैं जिससे कि वो तैरते हैं। सी टर्टल यूज फ्लिपर्स टू स्विम, डक्स हैव वेब्ड फीट,
टू स्विम इन वाटर। डक्स का पैर देखे होंगे, उसके वेब्ड होते हैं जो कि पानी में तैरते हैं। थ्रू वेल एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर। वेल मछली डॉल्फिन्स भी पानी में रहती हैं। दे आर मैमल्स, जो कि मैमल जानवर हैं वे। दे गिव बर्थ टू बेबी एंड ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ ब्लो होल। और वे लोग भी उनके दे गिव बर्थ टू बेबी, वो लोग बच्चों को जन्म देते हैं और वे लोग हेल्प ऑफ द ब्लो होल के जरिए वो लोग सांस लेते हैं। और एम्फीबियंस एनिमल आप देखेंगे, एम्फीबियन एनिमल आर द एनिमल विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एम्फीबियंस एनिमल जो जानवर होते हैं वो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी। दे बिगिन देयर लाइफ इन वाटर, लेकिन उनकी शुरुआत जो होती है पानी से ही होती है। बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द एडल्ट लाइफ ऑन लैंड, और जब वो बड़े कुछ हो जाते हैं तो अपने जीवन को भूमि पे व्यतीत करते हैं। दे कैन ब्रीथ बाई लंग्स, और वे लोग भूमि पे जब रहते हैं तो लंग्स द्वारा जो है फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। और बाई गिल्स और मोस्ट स्किन इन वाटर, और जब पानी में रहते हैं तो अपने चमड़ों से या गिल्स से सांस लेते हैं। दे हैव लेग टू वॉक ऑन लैंड, और वे लोग पैर से चलते हैं, भूमि पे उछलते हैं, पानी में तैरते हैं, जैसे फ्रॉग टॉड सलामांडर ये सब जीव हैं। अर्बोरियल एनिमल लाइक मंकी स्क्वायरल बर्ड्स, अर्बोरियल एनिमल जो होते हैं जैसे कि मंकी हैं स्क्वायरल बर्ड्स हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, ज़्यादा समय जो है ये लोग पेड़ों के टहनियों पर बिताते हैं। दिस एनिमल हैव शार्प क्लॉज, उसके पंजे काफ़ी तेज होते हैं, और उनके ऐसे तेज होते हैं जो कि ऊपर पे पकड़े हुए रहते हैं, नीचे की टहनियों को पकड़ लेते हैं। दे यूज दियर टेल टू बैलेंस, और उनके पूंछ होते हैं जो कि उनके बैलेंस बनाते हैं। स्ट्रोंग मसल लाइम्स टू क्लाइंब ट्री, उनके मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होती हैं जो कि पेड़ पे चढ़ने के कामयाब होती हैं। एरियल एनिमल लाइक बर्ड्स बैट्स इंसेक्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम फ्लाइंग इन द एयर, और ज़्यादा अपनी समय को बर्ड्स पक्षी लोग जो है अपना हवाओं में बिताते हैं। दे हैव विंग्स टू एंड टेल टू चेंज डायरेक्शन, और उड़ने के लिए उनको पंख होते हैं, अपनी दिशा को बदलने के लिए जब उड़ती हैं तो उनका पूंछ जो है उनमें सहायक होता है। बर्ड्स हैज हॉलो बोन्स, बर्ड्स को खोखले बोन्स होती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हैज देम टू फ्लाई, उनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। एडेप्टेशन फॉर फूड, एनिमल कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ दियर फूड हैबिट्स। जानवर को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, भोजन के ऊपर डिपेंड करता है उनका कैटेगरी। जैसे हार्बीवोरस हैव शार्प कटिंग फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड फूड। तो इस तरह के आज हम लोग इस इतना ही तक रिवीजन में करते हैं, और अगला दिन आगे का होगा। तब तक के लिए थैंक यू।